हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आप लोग को गेमिंग पीसी बिल्ड बताने जा रहा हूं, जिसका बजट 30,000 में है, जिसको जो गेमिंग पीसी बिल्ड या स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, इवन आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगा, जिसको चाहिए। और मैं उनके लिए 30,000 रुपीज़ में आपको देने वाला हूँ। बस इसमें एक चीज़ आपको सेकेंड हैंड मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि मैंने सोचा कि पैसे बचा लो काफ़ी सस्ते में भी आपका गेमिंग पीसी बिल्ड बन जाएगा। ये जो इसमें क्या है कि पैसे बच जाएंगे आपको, और ये जो 30,000 में आपको जो पीसी बिल्ड जो परफॉर्मेंस मिलेगा इस जो आपको बताने वाला हूँ, अगर ग्राफिक्स कार्ड नया लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल से सेम परफॉर्मेंस वाला, मेरे ख्याल से आपको लगभग अप्रॉक्स 45,000 to 50,000 ऐड करना पड़ेगा, 45,000 to 50,000, तब जाके ये आपको सेम परफॉर्मेंस वाला मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं पीसी देने वाला हूँ जो आपको स्पेक बताऊंगा 30,000 रुपीज़ में, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्राफिक्स कार्ड। मैं फिर से बताता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड पर सेकेंड हैंड है, बाकी आपको सारे पार्ट्स में आपको पूरा मतलब न्यू, और आपको 3 ईयर्स की वारंटी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, आपको स्पेक बता देता हूँ। यह है Ryzen 5, सबसे पहले प्रोसेसर से Ryzen 5 3600, ठीक है, मतलब 3600 मतलब एक टाइम मेरे काफ़ी बंदों लोगों ने यूज़ किया है, ये काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मतलब मोस्ट सेलिंग प्रोसेसर है ये AMD के साइड तरफ से एक टाइम का, और ये बहुत अभी भी आज के डेट में भी ये प्रोसेसर बहुत तगड़ा प्रोसेसर दोस्तों, आपको मतलब गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, कोई भी चीज़ हो, एडिटिंग है, जो भी आराम से मेरे ख्याल से मक्खन की तरह करा देगा आराम से आज भी ये, और ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी गेम हो, कोई भी मतलब मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इस प्रोसेसर में, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है अभी भी। ठीक है, और इसके साथ इसके बाद मदरबोर्ड में आता है MSI का A320 MA Pro मदरबोर्ड आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको 16 GB रैम मिलेगा आपको दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं ये जो PC बता रहा हूँ गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग सबके लिए, तो एटलीस्ट 16 GB रैम तो चाहिए यार, एटलीस्ट आज के डेट में 8 GB रैम करेगा तो आपका रैम के साइड से बोटलनेक होगा पूरा आपका PC, तो कोई मतलब नहीं है गेमिंग ये सब में, तो आप एटलीस्ट आप हमसे ले कहीं से भी ले, अगर आप गेमिंग एडिटिंग कुछ भी कर रहे हो PC, तो एटलीस्ट 16 GB रैम लेना। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो बताने वाला हूँ, अगर गेमिंग स्ट्रीमिंग और एडिटिंग कर रहे हैं तो ये भी आप जो स्टोरेज है वो SSD भी पक्का लेना। ठीक है, इसलिए हम आपको SSD दे रहे हैं, इसी में आपको 480 GB का SSD आपको हमारे साइड से मिलेगा, 60 SSD होगा, तो आपको जिसको चाहिए ये 480 जो SSD आपको लगाया जा रहा है हम लोग स्टोरेज में, हार्ड ड्राइव अभी नहीं दे रहा, आप बाद में हार्ड ड्राइव अपने साइड से लगा ले अपना मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, और इसलिए हम आपको 480 GB SSD आपको इसके साथ दे रहे हैं, तो इसमें आपको कोई मतलब गेमिंग में इस सब में कोई मतलब लोडिंग वोडिंग में या आपको कोई चीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर इस सब में आपको कोई स्लो ना हो। ठीक है, परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा GTX 1050 Ti 4 GB, और इसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ, जो प्रोसेसर आपको दे रहा है Ryzen 5 3600, और कोई भी गेम आपको चल जाएगा आराम से मीडियम टू हाई सेटिंग में, चाहे GTA हो, वैलोरेंट है, वैलोरेंट तो मेरे ख्याल से अच्छा FPS देगा, Apex Legend हो, GTA 5 हो, कोई भी आपका जो फेवरेट गेम आप खेल सकते हैं बिना कोई टेंशन के आराम से चल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका SMPS आपको मिल जाएगा 500 वॉट का SMPS। ठीक है, आपको ब्रांड का कोई गारंटी नहीं है, ब्रांड का आपको कोई भी रैंडम ब्रांड से दे देंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको ग्राफिक्स कार्ड की जो ग्राफिक्स कार्ड को आराम से हैंडल कर सके उसके हिसाब से आपको हम आपको अच्छा SMPS दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए तो चाहिए आपको, कैबिनेट भी अच्छा होना चाहिए ऑफकोर्स, तो ये Anti-Sport का IS 110 कैबिनेट आपको मिल जाएगा, लुक्स भी सेक्सी, जैसे देख फोटो में देख पा रहे लुक वाइज भी खतरनाक है दिखने में, और सेक्सी भी, और तगड़ा RGB भी है, मतलब एक तरह का मतलब बोल सकते हैं यार इस प्राइस मतलब 30,000 में आपको ऐसा मतलब लुक वाइज भी आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है, और ये पूरा जो PC स्पेक बात को मैंने बताया आपको 3 ईयर्स की वारंटी आपको मिल जाएगा, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड में आपको बता देता हूँ, ग्राफिक्स कार्ड सेकंड है, इसमें आपको वारंटी नहीं है, इसमें आपको हमारे साइड से आपको 3 डेज का टेस्टिंग वारंटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाई चांस इन केस अगर आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना चाहते और दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहते हैं अपने साइड से, तो मैं उसके हिसाब से भी प्राइस में आपको इंक्लूड कर दूंगा। आप हमारे अगर मान लीजिए आप ऐसा चाहते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड आपके पास ऑलरेडी है, या दूसरा ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं इसी सेम डेस्कटॉप के साथ, तो हमारे चैट सपोर्ट नंबर में आप हमारे वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर बोल देना इस वीडियो में जो स्पेक है ये आप लेना चाहते हैं विदाउट ग्राफिक्स कार्ड या जो भी हो, तो हमारे चैट सपोर्ट नंबर में आप वहाँ पर भेज देना, ऐसा सा मेरा रिक्वायरमेंट है। हमारा चैट सपोर्ट नंबर वेबसाइट jokar.com है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेबसाइट के सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप चैट सपोर्ट नंबर है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप कुछ भी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो
ऑर्डर नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे चैट सपोर्ट नंबर भेज देना, तो जो ऑर्डर है ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। इन केस रिप्लाई आए ना आए उसमें आप टेंशन की बात नहीं, वो ऑटोमेटिक हमारे साइड से प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हो आपको ये 30,000 रुपीज़ में ये पी सी बिल्ड बहुत तगड़ा लगा होगा। मुझे तो भाई 30,000 में नया पी सी बिल्ड, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड छोड़ के बाकी कंपोनेंट नया, 30,000 में आपको ऐसा परफॉर्मेंस वाला आपको 30,000 में मुश्किल है, मेरे ख्याल ना के बराबर इम्पॉसिबल है। आप अगर नया लोगे आप इस परफॉर्मेंस वाला, आपको 50,000 के करीब आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो पैसे बचाओ यार, ठीक है। तो आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, भाई को सपोर्ट कर दो सब्सक्राइब करके भी। तो बस आज के लिए इतने, चलो टाटा बाय बाय।